एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहर रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माता से पूछो क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहर निकली। यह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहर होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खान कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाट कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से ले आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार से अंदर ले गई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरी चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटी जली हुई क्यों है,
और दाल भी अधपकी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोटों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहुत खुश हुई। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 सिंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकल कर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकल कर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का कट जोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।